हाय सर। हाय। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। कैसे हैं, कैसा लग रहा है? अब मैं कैसा हूँ क्या बताऊँ सर, जिंदगी बहुत ही तकलीफ देती है सर। अच्छा। बहुत ही दुख देती है। मेरे 3 बेटे हैं सर। अच्छा। एक पुलिस है, एक डॉक्टर है और एक चोर है सर। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तीनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उनकी शादी करवाई। बहुत सही बात, बहुत सही बात। लेकिन सर उन तीनों ने मुझे धोखा दे दिया सर। क्या? अरे कैसे हुआ ये? क्योंकि बुढ़ापा आ गया ना सर, इसीलिए सर। अच्छा। घर से निकाल दिया है उन्होंने। अब तो मैं आंखों से अंधा भी हो चुका हूँ, दिखाई भी थोड़ा थोड़ा देता है। जिंदगी बहुत ही दुख तकलीफ वाली है, लेकिन क्या करे, किस्मत हमारी है। बेटा अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि उसका पिता बच्चों को प्राउड फील कराने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। और सर घर में माता पिता बीमार रहते हैं सर। सर उनका भी इलाज करवाना पड़ता है। किस्मत साथ नहीं दे रही है सर। कहां से पैसा लाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपकी फैमिली को होना चाहिए वहाँ पे। सोच नहीं पा रही हूँ कि आपके बेटे को अभी तक वैल्यू क्यों नहीं है जब तक आप हो यहाँ पर। आपसे अच्छा बाप कौन होता है? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जरूर देखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। छोड़ो सर, जिंदगी है ऐसे ही चलेगी सर। अरे वाह, ये पोटली में क्या लाए हैं अब? पोटली में तो क्या बताऊं मैडम जी, इधर उधर गलियों में घूमता हूँ भिखारी की तरह, मांग के खाता हूँ, पेट भराई कर लेता हूँ। जब बेटे साथ नहीं दे रहे हैं तो मुझे पेट तो भरना ही पड़ेगा ना, इसीलिए रास्ते में गलियों में इधर उधर घर में मांग लेता हूँ। और कभी कभी तो नजर नहीं आता है तो दीवार से टक्कर भी खा लेता हूँ जी। इधर उधर लग जाती है, कभी कहाँ लग जाती है। बहुत तकलीफ है सर, बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है। अच्छा। छोड़ो सर, जिंदगी है ऐसे ही चलेगी सर जी। अच्छा। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की इस दुनिया में लोग क्या नहीं कर रहे पैसा कमाने के लिए, चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, बस खाली पैसा चाहिए पैसा। और आप हमको मनोरंजन करके पैसा कमा रहे ताकि आपके घर में दे सके। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ को सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। तो मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ किसी तरह? ओके सर, बात तो कर सकते हो, लेकिन सर मुझे डर लगता है कहीं वो बदतमीजी से बात ना करे आपसे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। फोन कट कर देगा, मेरी बेइज्जती करेगा। इतनी बेइज्जती मेरी बहुत हुई है, डोंट वरी। पहले मैं लगा दूं सर कॉल। द सब्सक्राइबर इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। सर फोन स्विच ऑफ कर दिया सर उन्होंने। स्विच ऑफ कर दी, कोई बात नहीं, आपके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये शो तो जरूर देखेगा, नहीं देखेगा तो उसका दोस्त देखेगा।
कोई ना कोई बताएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लग गया, बहुत दिल पे लग गया। ठीक, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा बच्चा, आप बच्चे हो लेकिन इस तरह जलील मत करो अपने बाप को, प्लीज मत करो। मैं आज छोड़ता हूँ यार, ऐसे जलील मत करो। थैंक यू सर। इस बात पे नाज करो कि भगवान ने आपको ऐसा बाप दिया है। वाह! और गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा आप? जी सर, गाना तो हमने कहीं नहीं सीखा है सर। अच्छा, गाना हम कैसे सीखेंगे सर? जवानी में हम गाते थे लेकिन बुढ़ापे में भी आवाज तो बहुत अच्छी है। कोई भाई बोलता है हमें, बहुत अच्छा गाते हो। उसी भाई ने हमें बोला है कि इंडियन आइडल जाओ, एक बार ट्राई करो, हो सकता है किस्मत चमक जाएगा। इसीलिए सर इंडियन आइडल में आया हूँ सर आज। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। आज क्या सुना रहे हो आप, ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? जी आज हम गाना बहुत ही दर्द भरा गाना गाने वाले हैं, बहुत ही दर्द भरा गाना है। इस गाने को जो भी सुनेगा रोने लग जाएगा मैडम जी। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। Everybody sing, we need to गा दे, we need to गा दे, we need to गा दे। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से गाओ, तोड़ दो। जय माता दी, लेट्स रॉक। कभी हौसला बढ़ाती थी, कभी आंसू बहाती।
का नाम वो भी मैं का नाम वो भी मैं का नाम रो रो के अकेली गुनगुनाती थी सभी को मिले अधिकार यहाँ यही ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में
जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता क्या है? सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।